नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं सिमरन सिंह और आप सब हमारे साथ जुड़े हैं ई विद्या के चैनल नंबर 6 से 12 के जरिए। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल, और 8 बजे का समय हो चुका है आपकी घड़ी पर। हर रोज़ 8 से 8:45 हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए यह खास कार्यक्रम जिसका नाम है योग शक्ति। योग शक्ति के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जानकारी देते हैं अलग अलग योगासनों के बारे में, प्राणायामों से भी आपको अवगत कराते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान और डेमोन्स्ट्रेटर भी जुड़े होते हैं, जिन्हें देखकर आप भी घर बैठे योग आसनों का, इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीईआरटी के सहयोग से। घर बैठे आप योग शक्ति का हमारा यह कार्यक्रम देख सकते हैं। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि आज योग शक्ति के इस सत्र में हम कौन सा विषय चुनकर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आपको बता दें कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बातचीत करने वाले हैं योगा फॉर चाइल्ड डिप्रेशन के बारे में। और दर्शकों, क्योंकि चाइल्ड डिप्रेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये सत्र ना केवल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अभिभावकों के लिए और हमारे शिक्षक गण के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो चाइल्ड डिप्रेशन क्या होता है और योग के माध्यम से किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी विषय पर और जानकारी आज हमारे साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में हमारे मेहमान उपस्थित हैं। चलिए उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है मिस दिव्या सिंह जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम जूनियर रिसर्च फेलो हैं एम्स से। आज हम सभी के साथ योग एक्सपर्ट और कॉमेंटेटर की भूमिका निभाएंगी। इसके अतिरिक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस जपनीत कौर। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम योग डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभाएंगी और एमएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं MD NIY से। और दर्शकों, इस पूरे सत्र के दौरान यदि ऐसे कोई भी सवाल हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप हमें इसे कॉल करके अपने सवाल साझा कर सकते हैं। प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। हमारा नंबर है 8800440559। और आप सभी के लिए हमारी आधिकारिक मेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है MDNIY@yahoo.co.in। तो चलिए, आप और हम मिलके योग सत्र की शुरुआत करते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आज हम योगा फॉर चाइल्ड डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो डिप्रेशन क्या होता है, इसके क्या क्या मुख्य लक्षण होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं, ख़ास तौर पर जब हम बच्चों की बात करते हैं? जी नमस्कार। हम सभी की ज़िंदगी में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर हम अपने आप को उदास या निराश पाते हैं। जी ये किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी को भी किसी भी उम्र में ये परेशानी हो सकती है। चाहे किसी संघर्ष से हम जूझ रहे हों, किसी अपने को खोया हो, किसी भी वजह से कोई नुकसान हुआ हो हमारे जीवन में, उसकी वजह से हम अपने जीवन में उदास या निराश हो सकते हैं। पर यदि ये अप्रसन्नता का भाव, ये निराशा का भाव, ये दुख का भाव हमारे जीवन में 1 या 2 दिन से ज़्यादा ना रहकर 1 महीने या 1 साल तक रहता है, हम सिर्फ 1 दिन दुखी ना होकर लंबे समय तक उसी इमोशनल स्टेट में रहते हैं, तो वो जो स्थिति होती है हमारे मन की, उस स्थिति को हम अवसाद या डिप्रेशन कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। तो बच्चों को भी, जहाँ उनके मन में इमोशनल इंटेलेक्ट जो है डेवलप होता है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं, वहीं पर उनके ये सारे भाव जो हैं आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो दुखी होना हो, गुस्सा आना हो, निराश होना होने वाला भाव हो, ये सारे भाव उनके मन में भी आते हैं। यदि हम बात करें इसके कारणों की, तो डिप्रेशन जो है वो क्लिनिकली भी हो सकता है, पैथोलॉजिकली भी हो सकता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर मदर में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो उसकी वजह से भी बच्चों में ये पोटेंसी होती है कि उन्हें भी डिप्रेशन, अवसाद हो सकता है। या फिर उनके अभिभावकों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे ना हो, पेरेंट्स के बीच में अनबन भी जो है बहुत बड़ा कारण हो सकता है अवसाद का बच्चों के बीच में। यदि बच्चा
बुली का शिकार हो, अपने स्कूल में उसका मजाक बनाते हों, चाहे वो उसके शरीर को लेकर हो, चाहे वो उसके रंग को लेकर हो, चाहे वो उसके पढ़ाई मार्क्स को लेकर हो, इन सब चीज़ों से यदि वो बुली होता हो, बुली का शिकार हो अपने आसपास, अपने इलाके में, अपने स्कूल में, तो उस वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है बच्चों के बीच में, या फिर वो किसी यौन उत्पीड़न का शिकार हो, या फिर वो अपने मन में किसी बात को दबा रहा हो, किसी और ट्रॉमा की वजह से वो परेशान हो, शेयर ना कर पा रहा हो, इंट्रोवर्ट हो, तो वो इस बीमारी में आसानी से जा सकता है। और यदि हम बात करें इसके लक्षण के, सिम्टम्स के, तो यदि बच्चा जो है बहुत लंबे समय तक उदास रहता है, किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता, फोकस नहीं रहता उसका स्टडी में, ये सारी चीज़ें, नींद का पैटर्न जो है यदि उसका बदल जाता है, ये सारी चीज़ें यदि लंबे समय तक रहती है किसी बच्चे में, तो उनके अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए इस बीमारी को लेकर और कंसल्ट करना चाहिए आगे किसी साइकोलॉजिस्ट से। यानी ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उदास हैं, दो दिन उदास हैं तो आपको डिप्रेशन है। जी बिल्कुल जी। तो चलिए देखते हैं कि योग के माध्यम से कैसे हम निरोग हो सकते हैं और इसे दूर भगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रार्थना से। जी, सभी अपनी कमर और गर्दन को सीधा करके बैठें, आंखें कोमलता से बंद, बंद आंखों से अपने पूरे शरीर की स्थिति को देख जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास भरें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। इसी लंबे गहरे श्वास के साथ एक बार ओमकार का उच्चारण, ओमकार हेतु श्वास भरें। सं गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाउपासते। ओम शांत शांत शांत। धीरे से पलके झपकाते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल ली। आज हम वो योग अभ्यास करने वाले हैं जिनसे आप अवसाद से बच सकते हैं, या फिर यदि आप अवसाद से ग्रसित हैं तो इन अभ्यासों को करके अपने आप को इससे उभार सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे लूजिंग प्रैक्टिसेस यानी सूक्ष्म व्यायाम से। अपने मैट पर खड़े हो जाएं, समस्थिति में पूरे शरीर की स्थिति को देख जाइए एक बार। सीधा खड़े होने का प्रयास करें, दोनों हाथ आपके जंघाओं के बगल में। सबसे पहला अभ्यास है स्मरण शक्ति विकासक का। स्मरण शक्ति विकासक के लिए अपने नजरों को नीचे करते हुए 4 फीट की दूरी पर ध्यान लगाएं। इस अभ्यास में आपको लंबा गहरा श्वास भरना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है अपने थोरेसिक पार्ट से। स्टार्ट करें, 10 राउंड्स करेंगे। श्वास करते हुए विराम दे अभ्यास से, रिलैक्स करें, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अभ्यास से हुए परिवर्तन को अपने शरीर में महसूस करें व विश्राम करें। अगला अभ्यास है भुज बंध शक्ति विकासक का। दोनों पैर फिर से मिलाइए, दोनों हाथों से 90 डिग्री का कोण बनाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को सीधा करें झटके के साथ सामने,
श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 5 बार कर जाइए इस अभ्यास को भी। धीरे से विश्राम करें, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। हम आज सभी अभ्यास ऐसे करने वाले हैं जिससे सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है बॉडी की इम्प्रूव हो, रेदर देन पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी। अगला अभ्यास है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक का। दोनों पैर पुनः मिला लीजिए, हाथों की मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर रखें, उंगलियां बाहर। श्वास को भरते हुए अपने दोनों बाजुओं को गोलाकार घुमाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। श्वास भरते हुए शुरू करें अभ्यास को, 5 बार कर जाइए। श्वास छोड़ें, इस अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में भी कर जाइए। रिलैक्स करें, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास है कमर के लिए कटी शक्ति विकासक क्रिया 1। सामने आ जाएं अपने मैट के, दोनों पैरों के बीच में चाहे तो 4 उंगलियों का अंतर रख सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाइए, बाएं हाथ से पकड़ें, श्वास को भरते हुए अपने लोअर बैक कमर से धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकें। श्वास छोड़ते हुए अपने कमर से आगे की तरफ झुकें, प्रयास करें अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का। पुनः श्वास भरें, जाइए पीछे कमर से, श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। धीरे से मध्य में आए, रिलैक्स करें, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, सामने आ जाइए, लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास है कटी शक्ति विकासक क्रिया 2। दोनों हाथों को 180 डिग्री के कोण पे सीधा करें, श्वास भरें मध्य में, श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर से दाईं ओर झुकें, अपने हाथ को उसी प्रकार रखने का प्रयास करें बिना हाथों को नीचे झुकाएं। पुनः श्वास भरें मध्य में, श्वास छोड़ें दाईं ओर, श्वास भरें मध्य में, श्वास छोड़ें दूसरी ओर, श्वास भरें मध्य में, श्वास छोड़ें, श्वास भरें मध्य में, श्वास छोड़ें, श्वास भरें मध्य में, श्वास छोड़ें। रिलैक्स, धीरे से मध्य में आए, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास है कटी शक्ति विकासक क्रिया 5। अपने दोनों हाथों को कंधे के स्तर पे सामने लेकर आइए सीधा, श्वास भरें मध्य में, श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर से दाईं तरफ घूम जाइए। पुनः श्वास भरें मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घूम जाएं। इस अभ्यास को तीव्र गति से कर जाएं, 5 बार दोनों तरफ से। अपने श्वास का ध्यान रखें, श्वास भरें मध्य में, श्वास छोड़ें दूसरी तरफ। इस अभ्यास में आपके कमर से नीचे वाला भाग स्थिर रहेगा। दोनों तरफ से 5 बार करने के बाद रिलैक्स करें,
लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास है जंघा शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिला लीजिए। इस अभ्यास में आपको जंप करते हुए अपने पैरों को खोलना है और दोनों हाथों को सिर के ऊपर मिलाना है। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर मिलेंगे और हाथ वापस। श्वास भरें, जंप करते हुए दोनों पैर खोलिए, हाथ ऊपर मिलाएं, श्वास छोड़ें, डाउन। पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। छोटे बच्चे इस अभ्यास को और तीव्र गति से कर सकते हैं। रिलैक्स करें, लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। यहाँ हमारे सूक्ष्म व्यायाम यानी लूजिंग प्रैक्टिसेस ख़त्म हुए। अब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की तरफ चलते हैं। श्वसन क्रियाएं करेंगे अब हम। पहली श्वसन क्रिया है हस्तोत्तान श्वसन। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करते हुए अपनी छाती पर रखें, कोहनियों को ढीला छोड़ दीजिए। सांस भरें, दोनों हाथों को अपने छाती के सामने स्ट्रेच करें, ताने। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस छाती पर। पुनः लंबा श्वास भरें, दोनों हाथों को छाती के सामने ताने। श्वास छोड़ें, दोनों हाथ छाती पर। पुनः श्वास भरें, मध्य में ताने दोनों हाथ। श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस छाती पे। इसे अभ्यास को अब अपने माथे के सामने करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अपने माथे के सामने स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस छाती पे। लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ताने। श्वास भरते हुए पूरा स्ट्रेच करें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस छाती पे। लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। रिलैक्स करें, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर बिल्कुल ढीला। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के फ्रंट पे आ जाइए। दोनों पैर मिला लीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार में जोड़ें। प्रणाम आसन, आंखें बंद। बंद आंखों से पूरे शरीर की स्थिति को देख जाएं। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। बंद आंखों से उगते हुए सूर्य का ध्यान, उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। धीरे धीरे पलके झपकाते हुए अपनी आंखें खोलें। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर लेके जाएं, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकें, पादहस्तासन। सांस भरें, बायां पैर पीछे, दाहिना घुटना आगे, 90 डिग्री अश्वसंचलन। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। दोनों एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। पहले घुटना, फिर छाती जमीन पे, अष्टांग नमस्कार। दोनों पंजों को पीछे फ्लैट कर दें। सांस भरते हुए नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएं, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन।
श्वास भरते हुए बायां पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान। एक और राउंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए बायां पैर पीछे, दाहिना घुटना आगे, 90 डिग्री अश्व संचलन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, पहले घुटना फिर छाती जमीन पे, अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए बायां पैर आगे, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, दोनों पैर आगे। सांस भरते हुए हस्तोत्तान, प्रणामासन, दोनों हाथ नमस्कार में। विश्राम करें, शरीर ढीला, आंखें कोमलता से बंद, बंद आंखों से पूरे शरीर को देख जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। अभी तक के अभ्यासों का जिन जिन हिस्सों पर प्रभाव महसूस कर रहे हैं, उन उन हिस्सों को ढीला छोड़ दें। सूर्य नमस्कार एक फुल पैकेज है, पूरे शरीर के हर एक मसल पे काम करता है, हर एक जॉइंट को ओपन करने में हेल्पफुल है। अवसाद के रोगियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है सूर्य नमस्कार। यदि डायनामिक पेस के साथ इसे रोज़ाना किया जाए तो बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। आसनों के अभ्यास के लिए अपने शरीर को और मन को तैयार करें। सामने आ जाएं अपने मैट के। सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन। दोनों एड़ी पंजे मिला लें ताड़ासन के लिए। दोनों हाथों को आपस में फंसाइए, इंटरलॉक करें। सामने किसी एक पॉइंट पे अपना कंसंट्रेशन बनाइए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए अपने माथे के ऊपर ताने, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बनाते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठा दें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। हमारा फोकस एनहांस करता है। जो जिन बच्चों में फोकस की कमी होती है, वो ध्यान नहीं लगा पाते, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को वापस लेकर आइए, दोनों हाथ वापस, हाथों को ढीला छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगले आसन के लिए पुनः सामने आ जाएं अपने मैट के। अर्धचक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्धचक्र आसन हेतु अपने दोनों पैरों के बीच में कंधे की चौड़ाई जितना अंतर बनाएं। दोनों हाथों को अपने कमर पर रखें, उंगलियां नीचे की तरफ, हथेली ऊपर, कोहनियों को जितना हो सके पास रखने का प्रयास करें। अपने छाती को बाहर की तरफ ताने, सांस को भरते हुए धीरे धीरे पहले अपनी गर्दन को झुकाइए पीछे, फिर छाती, और फिर धीरे धीरे अपने लोअर बैक को पीछे की तरफ झुकाएं और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। अपनी आंखों को खोल के रखें, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे पहले गर्दन को वापस लेकर आइए, फिर छाती, और फिर लोअर बैक। धीरे से यहीं से आगे की तरफ झुक जाएं, हल्का सा काउंटर पोज करेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें,
90 डिग्री झुकें अपनी कमर से और रिलैक्स करें, अपने लोअर बैक को रिलैक्स करें। धीरे से यहीं से घुटने को मोड़ते हुए बैठ जाइए शिथिल दंडासन में, दोनों पैरों को सामने सीधा करते हुए। लंबा गहरा श्वास भरे, लंबा गहरा श्वास छोड़े। अगला आसन हम करेंगे उष्ट्रासन। दोनों पैर मिलाइए आपस में, अपने दोनों घुटनों को दाईं तरफ से मोड़ते हुए अपने नितंब के नीचे लेकर आइए। वज्रासन की स्थिति में बैठें। यहीं से अपने घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप करें शोल्डर लेवल का, दोनों हाथों को सामने सीधा करें। सांस भरते हुए एक एक करके अपने हाथ को अपनी एड़ी पे रखें, दाएं हाथ को दाएं एड़ी पे रखें, बाएं हाथ को बाएं एड़ी पे रखें। धीरे धीरे अपनी गर्दन को भी पीछे की तरफ ड्रॉप कर दें, अपने कमर को आगे की तरफ पुश करें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। ऊंटनुमा आकार बनता है शरीर का। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे पहले अपनी गर्दन को वापस लाइए, फिर छाती और फिर कमर से वापस आ जाए। बैठ जाइए अपने मैट पे, वज्रासन में ही बैठें। दोनों हाथों को हल्का सा आगे करते हुए अपने माथे को जमीन पे लगा लें। काउंटर पोज रिलैक्स करें। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। यहीं से अब हम व्याघ्र श्वसन का अभ्यास करेंगे, टाइगर ब्रीदिंग। धीरे से वापस आए वज्रासन की स्थिति में। दोनों हाथों को अपने घुटने के सामने रखें, एक कोहनी और एक हथेली जितने अंतर पे। दोनों कोहनियों को सीधा कर दें और एक टेबल नुमा आकार शरीर का बनाएं। दोनों पैरों के बीच में कंधे की चौड़ाई जितना अंतर। श्वास को भरते हुए अपनी कमर को नीचे की तरफ दबाइए, गर्दन ऊपर उठा के छत को देखें। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचें और कमर को ऊपर की तरफ ताने। पुनः श्वास भरें, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। श्वास छोड़ें, कमर ऊपर, गर्दन नीचे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। रिलैक्स करें, धीरे से मध्य में आए, बैठ जाएं वज्रासन में। पुनः दोनों पैरों को सामने सीधा करते हुए लेट जाइए अपने पीठ के बल। अगला आसन है विपरीत करनी। दोनों पैर मिलाइए आपस में, सांस को भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण पे ऊपर उठाएं और धीरे से अपने कमर पे हाथ लगाते हुए पैरों को हल्का सा और ऊपर उठाते हुए अपने पैर के अंगूठे को अपने आई लेवल के सामने लेकर आइए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें इस आसन में। अपने पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास करें इस आसन में। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें।
धीरे धीरे अपने कमर के सहारे से ही वापस लेकर आइए पैर को। पहले हिप को रखें और फिर धीरे से रिलैक्स करें। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अवसाद के रोगियों में पाया जाता है कि वो ध्यान नहीं लगा पाते ठीक से, उन्हें कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं करवाया जा सकता, उनको ध्यान नहीं करवाया जा सकता। बिकॉज अगर हम उन्हें ध्यान का अभ्यास करवाते हैं तो वो अपने ही थॉट्स में और ज़्यादा घुसते चले जाएंगे और ज़्यादा उनका मन दुखी होगा। तो उस चीज़ से हम उन्हें बाहर निकालने के लिए उनकी बॉडी की एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, इन्हांस करते हैं, उन्हें ध्यान के अभ्यास में ज़्यादा इंडल्ज नहीं करते। तो उन्हें गाइडेड रिलैक्सेशन करवाया जा सकता है या फिर इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स कुछ होते हैं वो करवाई जा सकती हैं। तो आज हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे, तीव्र विश्राम क्रिया जिसे हम कहते हैं। मैं एक एक करके आपके शरीर के हिस्सों का नाम लूँगी, आपको एक एक करके उन हिस्सों को टाइट करते चले जाना है। और जब मैं एक साथ बोलूँगी रिलैक्स, तो आपको सभी हिस्सों को ढीला छोड़ते चले जाना है। अपने पैरों की उंगलियों को टाइट करें, अपने तलवों को, अपनी एड़ियों को, अपने टखनों को, पिंडलियों की मांसपेशियों को, नी कैप को, घुटनों के जोड़ को टाइट करें, अपनी जंघाओं को टाइट करें, अपने नितंबों को, श्रोणि वाले भाग को, पेट की मांसपेशियों को, कमर को, छाती को, हाथ की मुट्ठी बनाइए, दोनों हाथ शरीर के पास लेकर आइए, अपनी कोहनियों को टाइट करें, कंधों को टाइट करें, अपनी गर्दन की मांसपेशियों को टाइट करें, अपने दांतों को सिकोड़ें, अपने चेहरे की फेशियल मसल्स को टाइट करें, अपनी आँखों को बंद करें तीव्रता से, अपनी आईब्रोज को कॉन्ट्रैक्ट करें, पूरा शरीर सिर से लेकर पाँव तक टाइट करें, और टाइट, पैरों को भी मिला लीजिए, टाइट करें, और टाइट, और टाइट, और टाइट, एंड रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अपने पूरे शरीर को और मन को शांत करने का प्रयास करें, ढीला छोड़ दें। प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने मन को और शरीर को तैयार करें और धीरे से दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, दोनों हाथों को शरीर के पास लेकर आइए, अपने दाहिने हाथ का तकिया बनाते हुए दाईं ओर करवट लें और कुछ देर लेटें, बाएं हाथ को छाती के सामने जमीन पर रखें और धीरे से दोनों हाथों के सहारे से उठकर बैठने की स्थिति में आ जाइए। कमर और गर्दन को सीधा रखें, दोनों हाथ घुटनों पे। पहला प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और प्रश्वास करते हुए कोहनियों को मोड़ते हुए हाथ को नीचे लेकर आना है। 10 राउंड करेंगे इसके। लंबा श्वास भरें, ऊपर उठाइए दोनों हाथ, श्वास छोड़ें। स्टार्ट करें, अपनी आंखें बंद करें, 10 राउंड्स करेंगे। रिलैक्स करें, अपनी सांसों में हुए बदलाव को महसूस करें। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। ये प्राणायाम भी हमारे शरीर में
सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, एक्टिविटी को एनहांस करता है, बॉडी में एनर्जी का संचार करता है। एक बार पुनः दूसरी बार इस अभ्यास को करेंगे, सेकेंड राउंड भस्त्रिका का स्टार्ट करें। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, रिलैक्स, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। सांसों में हुए बदलाव को महसूस करें और रिलैक्स करें। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अपने हाथों से षण्मुखी मुद्रा लगाइए, अपने अंगूठे को अपने कान पर रखें, पहली उंगली आपकी आंखों पर, दूसरी उंगली आपकी नासिका पे, बाकी बची दो उंगलियां आपके अपर लिप्स और लोअर लिप्स पे। इस मुद्रा को षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास को भरें, श्वास को बाहर निकालते हुए मकार का उच्चारण करेंगे। 10 राउंड करेंगे इस प्राणायाम के भी। लंबा श्वास भरें, शांत हो जाएं। भ्रामरी की तरंगों को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे ले आइए, रिलैक्स करें। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। आखिरी प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाइए। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठे से अपने दाई नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को भरें, धीरे से बाएं को बंद करें, दाहिने से प्रश्वास, पुनः दाएं से श्वास को भरें,
बाएं से प्रश्वास, धीरे से इस अभ्यास को 5 बार कर जाएं। अपने श्वास प्रश्वास की गति को प्रयास करें, सामान्य रहे दोनों गतियां, और श्वास प्रश्वास की गति जितना हो सके धीमी, लंबी और गहरी रखें। आपकी श्वास प्रश्वास लेने की आवाज कम से कम हो। धीरे से अपने बाएं नासारंध्र से प्रश्वास करते हुए विराम लें और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आइए। अपने शरीर में हुए बदलावों को महसूस कीजिए। आज के अभ्यासों से जहाँ जहाँ आप महसूस कर पा रहे हैं बदलाव, उन हिस्सों को ढीला छोड़ें। योग सत्र का अंत हम प्रार्थना के साथ करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार में जोड़ें। शांति पाठ के लिए लंबा गहरा श्वास भरें। एक बार ओंकार तत्पश्चात सर्वे भवन्तु सुखिनः। लंबा श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चि दुःखभाभवे, मा कश्चि दुःखभाभवे। ॐ शांति शांति शांति। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, ऐसी भावना को मन में रखते हुए धीरे से पलके झपकाते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। मैम, आपने बहुत विशेष जानकारी आज हमारे साथ साझा की है। मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी बच्चे, जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये जानकारी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी उनके लिए। और मैम, इससे पहले कि सत्र को यहीं विराम दें, कुछ मैं चाहूँगी कि आप विशेष जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं, अब उन्हें स्कूल जाना होता है, तो ऐसे में योग का अभ्यास करने का शायद उन्हें समय नहीं मिलता सुबह सुबह, और कहा जाता है कि सुबह सुबह ही योग का अभ्यास करना चाहिए, तो बच्चे इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो डिप्रेशन है वो किसी भी उम्र में हो सकता है किसी को भी, बट आजकल की जनरेशन में जो बच्चों को डिप्रेशन होता क्यों है, उसके मुख्य दो कारण हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में जो है एनर्जीज बटी हुई हैं काम करने के लिए, चाहे वो हमारे इंटेलेक्चुअल काम हो, चाहे वो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी हो, चाहे वो हमारे इमोशनल डायमेंशन हो, उन सभी के लिए हमारी एनर्जीज बटी हुई हैं। पर हम जो क्या करते हैं, हम अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को वो एनर्जी ना देते हुए हम लगे हुए हैं कम्पीट करने में। ट्यूशन्स हैं, बच्चों को भी अलग अलग ट्यूशन्स लगाई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, स्कूल टाइमिंग इतना हैक्टिक शेड्यूल है, सुबह उठ के बच्चा 7 बजे से लेके 4 बजे तक स्कूल में रहता है, वहाँ व्यस्त रहता है, पढ़ाई लिखाई, मार्क्स ग्रेड्स लाने की कंपटीशन, बच्चे को 8वीं क्लास से ही IIT की कोचिंग दिलवाना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करवाते हैं। तो ये सब भी ज़रूरी हैं, इसके साथ साथ उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी ज़रूरी है, और उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है। तो उस एनर्जी को उन्हें चैनलाइज करना चाहिए, और अपना जो समय है फिज़िकल एक्टिविटी को देना चाहिए, चाहे वो आधा घंटा ही दें, चाहे वो 1 घंटा दें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो वो शाम को भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, अपने डिनर टाइम से 2 घंटे पहले वो योग अभ्यास कर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे जपनीत कौर जी, हमारे आज की जो योग डेमोंस्ट्रेटर हैं, इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये सभी आसन, ये क्रियाएं आपको दर्शाएं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी दर्शक आज हमारे साथ योग शक्ति के इस सत्र में बने हुए थे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने वो विशेष जानकारियाँ, ज़रूर उनका ध्यान रखा होगा जिसके बारे में मैम ने अभी बताया, कि यदि आपके पास सुबह अभ्यास करने का समय नहीं है तो आप रात को यानी डिनर टाइम से 2 घंटे पहले भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। और हमारे बच्चे जो किसी भी कारणवश जो कभी उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी करना। और यदि आप योग करते हैं तो ना केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आपका मानसिक संतुलन भी बना रहता है। सही। और दर्शकों, एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि इस सत्र को यहीं ख़त्म करें, एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए। ये जानकारी NCERT की विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के लिए NCERT की विभिन्न पाठ्य पुस्तकें पूरे देश में उपलब्ध हैं। आप इन्हें खरीद सकते हैं NCERT के अलग अलग सेल्स काउंटर से, जो फिलहाल नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं इन टेक्स्ट बुक्स के लिए तो वो भी संभव है। हमारी वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और दर्शकों, अगर आप इन टेक्स्ट बुक्स को PDF यानी सॉफ्ट कॉपी वर्जन में डाउनलोड करके भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी तमाम जरिए हैं, जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म, ई पाठशाला वेबसाइट, NCERT की आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन। अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट को आप ज़रूर स्क्रॉल कीजिए और जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप तक पहुँच जाएगी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, www.ncrt.nic.in। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 12 से 12:30 हम समावेशी कक्षा का एक विशेष सत्र आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिए ई विद्या चैनल्स, योग करते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।